गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता था कि आज हमें स्कूल भी जाना था, बट आपको पता था कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से आज हम स्कूल की क्लास लेने नहीं गए। आज हमारा ऑफ हो गया, तो आज हम गाड़ी ठीक करवाने के लिए आए हैं मेरे मिस्टर दीपक। गाड़ी हमारी ठीक हो रही है, चल रहा है। कम से कम हमें लगा लो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी वेट करते हुए कि गाड़ी कब ठीक होगी कब ठीक होगी। जो स्पीड सेंसर है वो ऑलरेडी हमारा कुछ काम कर चुका है, बट इसमें एसी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एसी की जो कूलिंग है वो काम नहीं कर रही, इस वजह से इसको और भी खोला जा रहा है, खोल के इसको चेक किया जा रहा है आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस वजह से एसी काम नहीं कर रहा है। तो भी लगे हुए हैं आप देखो, आपसे पूछते हैं अभी इनसे क्या दिक्कत थी। तो गाइस हमारी गाड़ी एसी भी हमारा ठीक हो चुका है, स्पीड सेंसर भी काम कर चुका है, अब इसकी प्रॉब्लम आ रही है बैटरी की, जो भी बैटरी हमें नहीं चलवानी पड़ेगी। एक परेशानी ठीक हुई है तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई है, परेशानी आ चुकी है, तो हम अभी अब न्यू बैटरी लगवाने के लिए जा रहे हैं।
मोटा मोटा खर्चा बनाने की पूरी प्लानिंग कर दी है 40,000 के करीब। ये देख लो मेरे तो 200 रुपए आ गया आपका कमीशन भी थे। ये देख लो जी गाइस, ये देखिए हमारा काफी नुकसान हो चुका है अभी। इसकी ये लिंक रोड चेंज की है, लिंक रोड चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर ये देखो अभी और भी लीकेज है। यहाँ पर शोकर भी हमारा लीक है और हमारा यहाँ पर इसमें चैम्बर भी हमारा लीक है। अब हमारी गाड़ी ठीक हो चुकी है बट काफ़ी पैसा भी लग गया इसके ऊपर। आज तो बस पैसों की बौछार कर दी है गाड़ी के ऊपर क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं चलता हमारा। गाड़ी ठीक हो चुकी है बट हमने जैसे अब की इसकी ट्राई ली है तो अभी कुछ कमियां हैं इसमें। जो इसकी बबलिंग कर रहा है, हमारा जो स्टेयरिंग है वो कांपने लग जाता है, मीन्स व्हील बैलेंसिंग नहीं है इसकी, अलाइनमेंट नहीं हुई हुई है, तो वो हमें करवानी पड़ेगी। अभी जो है पहले हम जाएंगे मोनू भाई के पास, जो कुछ एडिट हो चुका है हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर प्लान करते हैं गाड़ी को ले जाने का। A few moments later. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मोनू भाई के ऑफिस में। ये देखो ये अपना एडिटिंग चल रही है हमारे काम की, तो उसके बाद देखते हैं। अब हमारे लगी है भूख, आपको पता है भूख लग जाने के बाद मैं जाता हूँ सूख। मुझे लग गया भूख, मैं गया हूँ सूख। तो अभी हम कुछ लेके आए हैं खाने का, कुछ खाएंगे। तो गाइस ये हमारा खाना रेडी है, तो हम खाना ये मोनू जी यस खाने के लिए भी रेडी है। दीपक आ गया, ये देखो ये छोले हैं, वो रोटी है, ये सैलेड है, ये हरी मिर्च है और ये लस्सी है। तो खाने के बाद हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो गाइज ये देखिए हमारी एडिटिंग चल रही है, आप दिखा सकते हैं। मैं आपको अपना भी थोड़ा शॉट का कुछ दिखाता हूँ, देखिए एक बार एडिटिंग में ही दिखा दो। A few moments later. क्या पता चल गया तुम्हें? मुझे भी तो बताओ। ये तुम्हारे पिताजी चोर है। ये नहीं कि तुम्हारे पिताजी चोर है। सुने ना, क्या तुम क्या बोल रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मेरे बाबूजी चोर नहीं है। तो गाइज यहाँ तक ही आपको दिखाएंगे कि ये चीजें कुछ हमने सस्पेंस रखा हुआ है, तो अभी ये एडिट नहीं हुआ। बाय करके निकल रहे हैं, ये अपना अभी पेंट निकाल के आराम से तसल्ली से अभी ये अभी एडिट करेंगे, एडिट पे लग जाएंगे। यस, तो फाइनल करना है तो, आजकल में यस। और हम निकल रहे हैं आगे, हमारी गाड़ी का जो थोड़ा बहुत वर्क रहता है हम उसको करवाने के लिए। ओके मोनू जी, बाय बाय। ओके गाइस हम निकलते हैं, चलिए। दीपक बाय, दीपक को साथ जाना है, बट ये बाय कह रहा है आपको क्योंकि ये रोड का जो ब्लॉक है वो यही बनाएगा। तो इसे हम कह रहे कि फटाफट खड़ा है और हम निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारा एक और नुकसान, ये देखो ये गाड़ी के पहिए खोले जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसके टायर जो है वो चेंज कर रहे हैं,
एक भी नहीं, दो दो टायर चेंज कर रहे हैं, डबल नुकसान। अरे उसके मशीन से खोल देना, ये ज्यादा टाइट है भैया, ज्यादा टाइट है, मशीन से खुल नहीं रहा, ना टाइट है, खोल नहीं पाता ना मशीन, अभी खराब। ओके, ये अभी मशीन का भी खोले थे वहां पर, हाँ तो इसकी वो लगे थे, इसका क्या नाम है, आम बुस्टल भाई है ना इसके, बिंक रोड डलिए, वो भी मशीन से ही टाइट करे थे। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारा अभी गाड़ी का वर्क चल रहा है, टायर खोले जा रहे हैं, उसके बाद इस तरफ भी ये जैक लगा दिया गया है। हम तीनों परेशान हैं, गाड़ी को कहाँ कहाँ लेके जा, कहाँ कहाँ में आज पूरा रोहतक घुमा दिया इसको, ये देखो ये उठा भी है, ये दोबारा फिर से सूली के ऊपर टांग दी गई है। जैसे ये गाड़ी सूली के ऊपर टंगती है तो इसका जो खर्चा होता है वो हमारे को सूली पे टांग देता है। तो गाइज हमारी गाड़ी का काम हो गया है, टायर भी चेंज हो गया है, तो वहाँ से निकल चुके हैं। तो बाकी आज का कैसा लगा व्लॉग आपको, क्या क्या हमने कुछ मस्ती की है, क्या किया है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताओ कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो हमें आज का जो व्लॉग है हम यहीं पर फिनिश करते हैं।